नमस्कार, फिर एक बार स्वागत करता हूँ आपका। आज मैं आया हूँ आपको रीजनिंग की स्टडीज बताने के लिए। ठीक है, मैं इसको एक एक करके से बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो जाती है और आप लोग देखते नहीं, मुझे मालूम है, इसीलिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ, दो दो तीन घंटे की वीडियोज की, आप उसको देखें, पूरा देखिएगा, कोई भी डाउट होगा कमेंट करिएगा। ठीक है, रीजनिंग भी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कोई हुआ नहीं बनाना इसका। करना क्या आपको, प्रीवियस ईयर। लेकिन अब प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको पुराने प्रीवियस ईयर को भी करना होगा। उससे क्या होगा कि आपका स्पीड बूस्ट होगा, आपके दिमाग में वैरायटी से क्वेश्चंस बैठेंगे, वराइटी वैरायटी सॉल्यूशन आएंगे, तो आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर करना है। SSC के अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब कुछ ईजी मिलेंगे, सारे ईजी होंगे, स्टार्टिंग के तो एकदम ईजी होंगे, लेकिन आपको उसको करना है। उसके लिए आपको कौन सी किताब खरीदनी है, किरण पब्लिकेशन। सिंपल, क्योंकि मैं जानता हूँ, किरण पब्लिकेशन मैंने पढ़ाई की और वही मैं जानता हूँ। किरण पब्लिकेशन की आप किताब ले आइए, रीजनिंग की टिल डेट वाली, इसमें आपको पुराने तो मिल जाएंगे और TCS के जो नए क्वेश्चन हैं वो भी मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि आपको डेली 1 घंटे रीजनिंग को देना है। स्टार्ट करना है 1999 से, एक एक क्वेश्चन को करते जाना है। जब आप 10 दिन 12 दिन लगा लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है। उस चैप्टर को एक बार आप YouTube से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल है YouTube पे। सेकेंड थिंग जो एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि रीजनिंग धप्पा हो सकता है, पैटर्न चेंज है तो रीजनिंग धप्पा हो सकता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, डरने की कोई बात नहीं है, जब भी SSC पैटर्न चेंज करता है कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है, पेपर ईजी होता है, जैसा कि 2016 में हुआ था उसी तरह इस बार भी होगा। तो आपको धप्पा रीजनिंग ही कर सकता है और इंग्लिश, दो चीजें धप्पा करेंगे। रीजनिंग के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि IBPS की कोई एक किताब ले आइए, किरण पब्लिकेशन की IBPS की किताब भी आती है, उसमें IBPS के क्लर्क लेवल की, नहीं PO लेवल की नहीं, क्लर्क लेवल की IBPS की किताब लाइए, किरण की पब्लिकेशन की, उस किताब को लगा जाइए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो आएगा ही आएगा, बट अभी जब मैं एक स्क्राइब के लिए स्क्राइब बन के गया था पेपर देने, जो एक विजुअली हैंडीकैप लेडी थी उसका पेपर देने गया था मैं, तो TCS का पेपर था, TCS ने एग्जाम लिया था, क्लर्क लेवल का पेपर था, तो मुझे ऐसा लगा उस समय देखे मेरे अंदर से गट फीलिंग है कि हाँ इस बार पैटर्न चेंज है तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, स्पेशली रैंकिंग, पजल्स, नंबर सीरीज बैंक लेवल के। ठीक है, तो आपको ये चीज करनी है। सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी, प्रीवियस ईयर आपको उठाना है, फर्स्ट टू लास्ट कर देना है, 1999 to 2022 किरण पब्लिकेशन की किताब लेनी है, ये टारगेट करना है कि मुझे इस किताब को खत्म करना है मेंस से पहले। उस किताब के क्वेश्चंस को करते करते आपको जो भी लगता है कि हाँ ये चैप्टर आपका वीक है, तो आपको उस चैप्टर को यूट्यूब से पढ़ लेना है, स्पेशली सिलोलिज्म को जरूर पढ़ना है। सेकेंड थिंग, आपको बैंक लेवल के, क्लर्क लेवल के पजल्स, रैंकिंग, सिलोलिज्म और जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ दो चीज करनी है रीजनिंग में, आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी चल रहा हूँ, अगले वीडियो में आपको आऊंगा मैं मैथ्स का सिंपल सी स्ट्रेटजी है वो लेके। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। ठीक है, बाय।